जय हिंद दोस्तों, आज का जो ये वीडियो बनाने वाले हैं ये उन कैंडिडेटों के लिए जो अभी ग्रुप डी के एग्जाम में बैठने वाले हैं। देखो अभी सबके मन में यही चल रहा है कि आखिर कौन सी बुक हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सी बुक पढ़ूं जो ताकि अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाऊं। देखो पहले आपको हम बताते हैं, आपका ये कंपटीशन है इस पर जो आप बैठते हो इसका जो बेस है लुसेंट है। क्या है? लुसेंट है। ये इसका जो बेस है क्या है? लुसेंट है। देखो आप अगर लुसेंट ढंग से अगर नहीं पढ़े हो तो आपको दिक्कत आएगी, तो इसीलिए पहले आप लुसेंट को ठीक से पढ़ लो। कहने का मतलब लुसेंट के साथ साथ जो भी बुक है आपके पास, लेकिन हम दो तीन बुक का आपके पास आपको नाम बोलेंगे, उसको जरूर पढ़ना। पहला देखो एक घटना चक्र आता है, हम बता देते हैं आपको। देखो एक घटना चक्र आता है, घटना चक्र जो कि रेलवे का है। रेलवे का घटना चक्र आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए, ये रेलवे का घटना चक्र पढ़िए और पढ़िए आप लुसेंट पढ़िए। लुसेंट देखो दो लुसेंट पढ़ना है आपको, एक तो पढ़ना है आपको मिश्रण वाला लुसेंट, यानी कि जिसमें जीके और जीएस दोनों रहता है, और एक लुसेंट पढ़ना है सिर्फ जीएस का जो आपके क्वेश्चन को नंबर को बिल्डअप करेगा, यानी कि आज के डेट में ग्रुप डी में ज़्यादा जीएस पूछ रहा है, उसमें भी न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो जीएस ज़्यादा ज़्यादा कैसे नंबर उठाएंगे उसके लिए आप ये ज़्यादा पढ़िए। इसके लिए जो लुसेंट आता है जीएस का जो लुसेंट आता है उसको पढ़िए। बाकी ये एक जो जीके जीएस मिला हुआ रहता है उसको भी पढ़ना है और एक ये भी पढ़ना है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखो ये क्या है? सामान्य विज्ञान। ओनली क्या है? ये जीएस है। इसको पढ़िए, आपका क्वेश्चन नंबर डेवलप होगा। इसको पढ़िए, साथ में घटना चक्र पढ़िए। घटना चक्र में क्या होता है ना, शुरू मतलब जितना क्वेश्चन पूछा गया, जितना ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें अभी तक का, यानी कि इसके पिछले तक का जो एग्जाम हुआ है वो सारा अप टू डेट रहेगा इसमें। और इसको रखिए, इसको पढ़िए, इसको जब पढ़ेंगे तो बगल में इसको रखिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में इरर है, तो उसको इरर को मतलब कि कंफ्यूजन ना हो, आगे एग्जाम में दिक्कत ना हो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि नहीं यहाँ गलती है, तो इससे पलटा के आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको गलतियाँ नहीं मिलेगी और ये बेस हैं। यहाँ से आप अगर पढ़ेंगे तो ये भी ढंग से समझ में आएगा, ये ढंग से ऐसे ये भी आएगा समझ में, क्योंकि इसमें भी बहुत ही ढंग अच्छे तरीके से इसका सल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो घटना चक्र के साथ साथ इसको पढ़ना है, और घटना चक्र में जब जीएस पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना है, बगल में रखिएगा, और जब जीके पढ़ेंगे तो ये का जो लुसेंट होता है नॉर्मल वो पढ़ना है। और एक बुक आप लोग को बता देते हैं, देखो ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन रहता है इसमें, इसको अगर नहीं है तो जरूर खरीदिएगा। तो आप लोग को हम तीन बुक बताएं, एक घटना चक्र, एक देख लो ये कौन सा है, सार संग्रह। ठीक है, एक घटना चक्र और लुसेंट में कौन सा लेना है, एक मिश्रण ले लीजिएगा, एक सिर्फ जीएस का लुसेंट लेना है। ये कहने का मतलब एक दो तीन चार बुक, इतना बुक आप पढ़ो, आपका ग्रुप डी एग्जाम निकल जाएगा, और ज़्यादा दिमाग इधर उधर दौड़ाने का जरूरत नहीं है। आप 100% हम लिख के देते हैं, 100% लिख के देते हैं, आपका एग्जाम निकलेगा। और एक चीज़ आपको क्या करना है, आप लोग टेस्ट लगाते हो, यस या नो, टेस्ट जो लगाते हो उसका जो सल्यूशन होता है वो जरूर देखना, उसका जो सल्यूशन होता है एनालिसिस जरूर करना। ठीक है, यहाँ से देखो आपको फायदा क्या होगा, कोई सल्यूशन में देखो फायदा क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आप बनाते हो सल्यूशन में उसका डिटेल दिया हुआ रहता है, डिटेल से आपको क्या होता है ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ से देखो होगा क्या, अब घटना चक्र में सपोज एग्जाम्पल के तौर पर घटना चक्र में जो क्वेश्चन अभी आप पढ़ हैं और इसके बाद आप चाहेंगे टेस्ट लगाना है, टेस्ट में वही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने के लिए मिला। ठीक है, लेकिन जब इसका सल्यूशन में जाते हो, सल्यूशन में इसके उस क्वेश्चन के रिलेटेड और सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, हो सकता है जो क्वेश्चन देखने के लिए मिला वो आप लुसेंट में पढ़े हो। देखो इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ आए, यानी कि आपका रिविजन हो गया। इसी तरह क्या होता है ना, आपके जीके जो है और जीएस इर्द गिर्द आपके चारों साइड घूमने लगता है, फिर आप जब एग्जाम में बैठते हैं अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं रहता है तो आप ऑप्शन से भी छांट
लेते हो, इसका आंसर ये नहीं हो सकता, इसका आंसर ये नहीं हो सकता, इसका आंसर यही होगा ही, ऑप्शन से भी छांट लेते हो। इसीलिए एनालिसिस जरूर कीजिएगा, यानी टेस्ट जब लगाते हैं तो उसका सलूशन, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट लगाते हैं, अगर कहीं टेस्ट लगाने जाते हैं या घर में बैठ के लगाते हैं या ऑनलाइन लगाते हैं, उसका सलूशन जो आता है वो जरूर देखिएगा। उसमें आपको टाइम लगेगा, एक टेस्ट लगाने में आपको एक घंटा लगता है, फिर सलूशन जब देखिएगा तो यानी कि एक टेस्ट लगाने में 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा, यानी 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा आपको। एनालिसिस कीजिएगा तब, और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस कीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो है, आपका जो नंबर है वो बिल्डअप होगा। जरूरी नहीं है कि एक दिन में 2 सेट लगाना, आप एक दिन में 1 सेट लगाइए। देखिए एक दिन में 1 सेट लगाएंगे तो होगा क्या, आपको फायदा क्या होने वाला है? जब एक दिन में 1 सेट लगाएंगे आप, एक दिन में क्या कितना सेट लगाना है, 1 सेट लगाना है। इसका एनालिसिस भी करना है, एनालिसिस करना है। आप 2 से 2.5 घंटा यहाँ पे दे दिए, 2 से 2.5 घंटा यहाँ पे दे दिए। देखो एक सेट में जीके जीएस 25 क्वेश्चन रहता है ना, सॉरी दोनों मिला करके अगर 25 क्वेश्चन रहता है, तो 25 का अगर एक जीके का अगर उसका जो सोल्यूशन देखोगे, अगर उसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है तो 25 × 4 कितना हो जाएगा, 25 × 4 कितना हो जाएगा, 100 क्वेश्चन यहाँ से देखें आप, 100 क्वेश्चन यहाँ से देखें जो घटना चक्र पर है। आप बताओ ये 100 क्वेश्चन क्या है, इसमें से रिलेटेड नहीं होगा, इसमें से भी रिलेटेड होगा। जो लूसेंट पर है उसमें से कुछ क्वेश्चन मैच करेगा, कहने का मतलब आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। इसलिए टेस्ट ज़्यादा मत लगाइएगा, यानी कि एक टेस्ट लगा दिया उसका एनालिसिस आप नहीं कीजिएगा और फिर दूसरा टेस्ट में आप भिड़ जाइएगा, इससे आपका नंबर नहीं बढ़ेगा और आप माइनस में चल जाओगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए देखो बुरा मत मानना, एग्जाम नहीं निकलेगा ये जो हम बोल रहे हैं, इस बात को बुरा मत मानना, सच्चाई यही है। कैंडिडेट क्या करता है ना, ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा हम पर है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो, उसके बाद घटना चक्र पढ़ो, सार संग्रह पढ़ो, लूसेंट का 2 बुक रख लो, पढ़ो, इतना काफ़ी है, और ज़्यादा दिमाग इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आज का, इतना पढ़ लो, और उसके बाद लास्ट में यही कहेंगे जाते जाते, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।